एनिमे के सॉकेट्स कहाँ कहाँ डलते और वायर कैसे कट नहीं होगी, तो जाकिर मेरे को बताओ ना ज़रा। बेसिकली हम लोग कंपनी में जाते हैं, गाड़ी का काम कराते, तो कंपनी में कहते हैं लोग कि बाहर आप काम करो, आपको वारंटी करेक्ट। तो हमने अभी इनकी गाड़ी में कुछ ऐसा किया क्योंकि इनकी गाड़ी का वारंटी एक्सपायर नहीं होती। जैसा आपका आप देख सकते हैं कि ये सॉकेट है, ये कंपनी की सॉकेट है जो टेप में लगा हुआ रहता है। करेक्ट। ये टेप है आपका। हाँ। तो ये टेप में आपका सॉकेट लगा हुआ रहता है इस तरह से। करेक्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वायर काट देते कनेक्शन लेने के लिए, जैसे कंपनी वाले कहते हैं कि आपके वायर काटे आपको वारंटी अब नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो हमने इसमें सॉकेट इंक्लूड किया है जिसको हम लोग हार्नेस बोलते हैं वारने के लिए। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे प्लग करके हम लोग यहाँ से कनेक्शन है जिससे आपकी कंपनी की आपकी गाड़ी की वारंटी नहीं जाएगी। और सेम हमने यहाँ पे भी किया है स्पीकर में, यहाँ आपका सॉकेट है कंपनी का जिसका हमने स्पीकर करें जो सॉकेट लगा दिया, तो आपको नहीं। ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग जो स्पीकर्स कंपोनेंट्स एम्पलीफायर जो भी चीजें डाल रहे हैं उसके बारे में ये भाई हमें हेल्प करने वाले हैं। हम लोग यूके का प्रोडक्ट डाल रहे हैं, वाइब ऑडियो। ओके ठीक है। ये फ्रंट में कंपोनेंट्स है एंड फोर चैनल एम्पलीफायर। ये और पाइनियर में क्या डिफरेंस है? लोग जनरली पाइनियर जेवीसी और बाकी सारी कंपनीज प्रिफर करते हैं, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस? एक्चुअली इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है पाइनियर के। ओके मैंने ये जो इन्होंने लगाया हुआ है उस पर इसका एक टेस्टिंग देखी जिसमें एक्चुअली इसके जो स्पीकर्स के जो मिड रेंज है वो काफ़ी अच्छा था। पाइनियर का मिड रेंज बहुत ओके है, टेबल अच्छा है, बेस ठीक है, मतलब बेस तो कमी है, इसमें मिड रेंज बहुत अच्छा है। जो थंब जो गाड़ी में मिलता है बेस में थंब, वो थंब बहुत अच्छा है। एम्पलीफायर सोनी है क्योंकि हम लोग मुफर डाल रहे हैं, तो सोनी सालों से मैं सोनी डाल रहा हूँ, तो सोनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर एम्पलीफायर, तो सोनी। और ये एंड जेबीएल का बुफर है, जेबीएल का बुफर है 1200 वाट के बुफर से। इन्होंने वाइब रेकमेंड किया था बट वाइब नहीं डाला हम लोग ने क्योंकि मुझे कम थोड़ा चाहिए था। वाइब इज अ वेरी गुड कंपनी, उसमें जो बेस का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हार्ड बेस है, थोड़ा लाउड है, तो हम लोग बाद में इसका आगे जाके सेटिंग कर सकते हैं कि लाउडनेस कम हो जाए, जब भी चाहे लाउडनेस बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इसके लिए जेबीएल थोड़ा ज़्यादा प्रीफर था। तो दो स्पीकर्स हैं वाइब के, वूफर है जेबीएल का 1200 वाट और सोनी का एम्पलीफायर है, और जो सॉकेट्स है और वायरिंग है, वायरिंग किसकी डाल रहे हैं हम लोग? वायरिंग हम लोग मोस्टली की डाल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट वायरिंग है। वायरिंग में जनरली लोगों का क्या मानना होता है कि वायरिंग कौन सी डालनी चाहिए, क्यों ये डालनी? वायरिंग पे एक्चुअली लोग ध्यान इतना देते नहीं, नॉर्मल वायरिंग डालते हैं, लेकिन हम लोग जो है हम लोग प्रॉपर कस्टमर को समझाते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब सबसे बेस्ट है। तो कौन सा कंपनी की वायरिंग है और दो तीन सॉकेट्स है जो आपको दिखाए, और डैम्पिंग भी डाल रहे हैं? डैम्पिंग कर रहे हैं, मेन डैम्पिंग। साउंड प्ले का क्या होता है? साउंड हम लोग प्ले करते हैं जैसे कोई मिड बेस वाली गाने होते हैं, जो बेस वाले गाने होते हैं, तो पतरे साथ में भर 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 करते हैं। करेक्ट। तो वो जो चीज़ है ना पूरा वो बैकग्राउंड डेड करते हैं।